अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग और उसके साथ बनाएंगे गर्मा गर्म मकई की रोटी। तो ठंड के मौसम में बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है सरसों का साग। दो गट्ठी मेरे पास सरसों का साग है, इसको काट कर अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। और इसके साथ एक गट्ठी पालक की है, इसको भी काट के अच्छी तरह से धो लिया है। थोड़ी सी हम मेथी लेंगे, इसको भी काट लेंगे। इन सब चीज़ों को एक पतीले में डालेंगे और उनको बॉयल करेंगे। बॉयल आने पर इनको कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट तक इनको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से ये सब चीज़ें गल जाएंगी। आग काफ़ी नरम हो गया है, इसका पानी आप ड्राई करेंगे और इसको चम्मच से हम साथ साथ मैश करते जाएंगे। यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है। और इसके साथ एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे। जो मसाले हम ऐड करेंगे वो हैं, एक चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें हम लेंगे सूखा धनिया। एक पैन में घी या बटर आप जो भी चाहें वो ऐड करें। तो यहाँ मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। 2 से 3 मिनट में मसाला हमारा रेडी है। तो अब इसमें हम साग जो हमने बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो यहाँ तकरीबन हमारा साग रेडी है। जब ये घी अलग होना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार सरसों का साग तैयार है। अब इसके साथ हम मकई की रोटी वो भी बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 कप मकई का आटा लिया है और उसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप पानी हमने नीम गर्म कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है और इसकी डो तैयार करेंगे। जितना ज़्यादा इसको मसलेंगे उतना ही अच्छा ये आटा तैयार होगा और उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। तो वो इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मलेंगे हम। आटा हमने गूंद लिया है, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। हाथ को थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत बड़ी भी नहीं बनाएंगे। पैन को या तवे को आपने ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह हिला लेंगे। ये
स्लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। थोड़ा सा इस पे बटर या देसी घी लगाएं। इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ हम फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा सा इसका कलर आएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है कि टूटे ना। देखें बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह पका लेंगे। ये रोटी हमारी पक के तैयार है। इसको आप प्लेट में निकालेंगे। इसके साथ सर्व करें मक्खन और इंजॉय करें गर्मा गर्म मकई की रोटी सरसों के साग के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।